दोस्तों ये देखिए, छोटा सा एक तुलसी जी का प्लांट जमा हुआ है, तो मैं इनको धीरे से उखाड़ करके गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगा। दोस्तों ये देखिए, मैं धीरे धीरे ये खुरपी से इनको उखाड़ ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने तुलसी जी के प्लांट को ज़मीन से धीरे से अच्छे तरह से उखाड़ लिया है, जिससे कि जड़ें इनकी पूरी की पूरी बनी हुई हैं। और इस समय गर्मी तो बहुत है, इसलिए इनको लगाने के बाद इनकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तेज़ गर्मी पड़ रही है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा कि किसी अच्छे गमले में अच्छी पॉटिंग मिक्स बना करके इसको लगा करके तुलसी जी को, और 3-4 दिन अपने किसी शेडिंग एरिया में और ठंडी जगह पर रखूँगा दोस्तों, जिससे कि ये पूरी तरह से प्रॉपरली लग जाएँ। दोस्तों ये देखिए, मैंने तुलसी जी के प्लांट को ये पानी में एक छोटे से डिब्बे में डाल करके रख दिया है, जब तक कि मैं पॉटिंग मिक्स वगैरह तैयार करूँगा, क्योंकि दोस्तों इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। प्रयागराज का टेम्परेचर 48 के आसपास पहुँच रहा है, तो तुलसी जी को उखाड़ने के बाद शॉक न लगे, इसलिए मैंने इसको पानी में डाल के रखा हुआ है। अब मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करने जा रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शुक्ला, एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों ये देखिए, ये जो तुलसी का प्लांट मैंने ज़मीन से निकाल करके ये छोटे से एक पॉट में पानी डाल के रखा था, दोस्तों 4 दिन बीत गए, इसको मैं गमले में ट्रांसफ़र नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कहीं चला गया था। और दोस्तों ये देखिए, पानी में आज भी, ये 4 दिन बीत गए हैं, पानी में ये तुलसी जी का प्लांट आज भी कितना अच्छा हरा भरा सर्वाइव कर रहा है। और दोस्तों इस समय टेम्परेचर का ये हाल है कि 48 के ऊपर प्रयागराज का टेम्परेचर पहुंच गया है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं आज इसको ज़रूर किसी गमले में अच्छी पॉटिंग मिक्स बना करके ट्रांसफ़र कर दूंगा। और ये देखिए, तुलसी जी हमारी जो है, ये पानी में कितना अच्छा, दोस्तों इनकी जड़ें देखिए, इसमें से नई नई जड़ें भी निकल आई हैं पानी में। तो इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं ना कि तुलसी जी के प्लांट को जड़ सहित अगर आप पानी में डाल के रख देते हैं, तो बीच बीच में अगर पानी बदलते रहें तो वो पानी में भी सर्वाइव कर जाएंगी। ये देखिए आप, एकदम हरी भरी, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि मैंने निकाला था ज़मीन में, बल्कि उससे भी ज़्यादा हरी भरी हो गई हैं। और दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि आज इनको किसी गमले में, अच्छे से गमले में ट्रांसफ़र कर दूँ। तो फिर दोस्तों ट्रांसफ़र के बाद का अपडेट मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मिलते हैं फिर। तो दोस्तों देखिए, ये तुलसी जी हमारी अब जो मैंने लगाया था वो अब इतनी बड़ी हो गई हैं, आप लोग देखिए दोस्तों कितनी, ये अब धीरे धीरे बुशी होती जा रही हैं। और कुछ दिन के बाद मैं इनको, ये अभी इतनी छोटे से गमले में है, लेकिन कुछ दिन के बाद मैं इनको एक बड़े गमले में लगा दूंगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये तुलसी जी का प्लांट का जो रिपोर्टिंग वीडियो है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।